ओ भाई मरेगा मरेगा, बच गया इतना लिया। बस दो चीज़ों का मलाल रह गया मुझे वाराणसी में। ये देखो ये मेरा पुराना हेलमेट। ओ भाई अरे दुखी करके रख दिया इसने भी। जब महीने महीने तक यूज़ ना करो ना चीज़ें, फिर जंग लग जाता है चीज़ों में। अरे यार मैं तो इस रास्ते ये सोच कर आया था ट्रैफिक कम मिलेगा, नया रूट स्टार्ट हो गया। ओ भाई और यहाँ तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये ही परफेक्ट टाइम है घर से निकलने का भाई, शाम को। तुम लोग 5 बजे के बाद ही निकल सकते हो, उससे पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। बट ये गर्मी यूपी के गांव की गर्मी से भी कई ज़्यादा कम मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई वहाँ तो दोपहर में ही, दोपहर बहुत दूर की बात है, दोपहर बहुत दूर की बात है, 9 बजे ही दोपहर हो जाती है वहाँ। लोगों का दिन 5 बजे शुरू हो जाता है, जैसा कि हर गांव में होता है। इसलिए मेरे को गांव साइड जाना पसंद नहीं है। लोग बहुत जल्दी यार बहुत जल्दी सो के उठ जाते हैं, और जब तक हमारे उठने का टाइम होता है तब तक धूप निकल चुकी थी, बहुत गंदी। 6 बजे धूप निकल जाती थी और 9 बजे तो जैसे कि मैंने व्लॉग में कहा था दोपहर है यहाँ की। वाह वाह वाह, खोल दिया रास्ता। ये रास्ता इधर से पहले जाते थे घूम के, ब्लॉक हो गया, ऊपर से फ्लाईओवर स्टार्ट कर दिया। पर मेरे को लगा था कि ये रास्ता अगर खुला होगा तो नीचे से जाके बंदा मेन शिमला कालका हाईवे पे जुड़ सकता था, बट शिमला वाला रास्ता फिर तो बंद ही हो जाएगा, बंदे को और लंबा घूमना पड़ेगा यार। तो नीचे से रास्ता जा रहा है जो, अब वहीं से यानी कि ऊपर आना पड़ेगा, फिर सीधा जाके आगे से एंट्री पॉइंट नहीं है, आगे भी नहीं है, यानी कि ये नीचे से ना बिल्कुल जहाँ जाके रास्ता ख़त्म होता है वहाँ पे रास्ता क्लोज है, वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। इतना ज़्यादा घूमना पड़ेगा यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और हमें भी ऊपर का रास्ता लेना पड़ेगा, अभी नीचे से जाएंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे। रास्ता तो नया बना दिया बट यही है ना, घूमना तो फिर भी पड़ेगा। और ये मिलिट्री क्यों आ रखी है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस क्यों लगाई हुई है? ये जो नीचे से रास्ता जा रहा है आगे जाके बंद हो जाता है, वहाँ से घूमना पड़ेगा लोगों को। और फिर ये साथ वाला जो स्लीपर रोड है वहाँ से आना पड़ेगा यार, बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। बट पहले वहाँ ट्रैफिक भी तो बहुत होता था शाम को, अब जो नया बंदा है ना वो फंस जाएगा, पर जो पुराना जैसे हम एक बार आ गए हम लोग जैसे जो यहीं के, हमें आइडिया हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो भाई गर्मी तो है पर वहाँ से कम है। और ये गोप्रो भी भाई महीने से ज़्यादा हो गया मैंने यूज़ नहीं किया, ना मैंने ग्लव्स भी, आज दुविधा में पड़ गया था कि ग्लव्स मिल क्यों नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रह गए, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, पैक करके रख दिया गया था, इन्हें मम्मी ने रख दिया था पैक करके, फिर बड़ी मुश्किल से मिले। अब महीने महीने चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा यार। गोप्रो का भी चार्ज ख़त्म हो रखा था, क्योंकि उससे पहले मैं जब से, लास्ट व्लॉग मेरा कब था पता है, जब भाई के साथ मैं शॉपिंग करने के लिए गया था, और भाई भी मैं बताना भूल गया, जा चुका है यूके, जा चुका है, तो व्लॉग में देखा ही होगा। बट फिर उसके बाद मैंने एक दिन भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। फिर भाई को विदा किया, उसके बाद फिर बीच में 7-8 दिन का गैप था दोस्त की शादी को जाने के लिए, फिर वो 7-8 दिन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, यानी कि मोटो व्लॉग जीरो हो गया, कोई भी व्लॉग नहीं आया, जीरो हो गया। और उसके बाद सीधा ही जो लास्ट व्लॉग देखा होगा ट्रेन से एग्जिट लेते हुए बाहर निकलते हुए बनारस का, या वाराणसी बोल लो वहाँ का, वही था मेरा लास्ट व्लॉग, अदरवाइज मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। फिर वहाँ पे भी 8 दिन रहकर आया भाई, 8 दिन में फ़ोन से किया जो भी किया, तो इस लमसम मिला के बहुत लंबा टाइम हो गया। फिर मैं चलो आज शाम को फ्री थे, मैं कहा चलते हैं यार, एक काम करवाना था, मैं कहा वो काम करा के आते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा था, बट ये मेरा लक है, देखो मैं गया गया किस काम के लिए था और क्या काम करके आ गया। अगर मैं बाहर निकल जाऊँ ना फिर जगह मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं अकेला घूम लिया यार। लोग कहते हैं पागल है तू घूमने के मामले में, बस काम, बाकी काम धाम तो ऐसी है।
यहाँ से मैं अयोध्या चला गया अकेला अकेला, ठीक है, बिना किसी का हेल्प लिए। हेल्प रास्ते में किया लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, ऐसे कोई हेल्प नहीं, ऊपर से चलना पड़ेगा, ठीक है। अकेला गया वहाँ, जाके लोग मिल गए, वो बात अलग है। अयोध्या घूम फिर कर आ गया और फिर उसके बाद अभी दोबारा जैसे मेरा साथ में जो दो फ्रेंड गए थे ना, वो कहीं और चले गए थे अपनी नानी के घर। ओ भाई, मरेगा मरेगा, बच गया। इतना बड़ा पेट्रोल खोला हुआ बीच में यार, पेट्रोल। तो बातें कट रही है बार बार। तो वो दोनों यार नानी के घर चले गए थे, ठीक है। तो और नेक्स्ट डे उन्होंने ज्वाइन करना था, मैं कहा एक दिन मैं क्या करूँगा, बोर ही होना था। मैं कहा चलता हूँ फिर अकेला ही, देखो मैं काशी भी घूम लिया। बस दो चीज़ों का मलाल रह गया मुझे वाराणसी में, एक कि मैं शाम की आरती नहीं देख पाया, गंगा आरती। जिस हिसाब से मैं घर से निकला था, मेरे फ्रेंड ने मुझे निकाला था टाइम के हिसाब से, मुझे शाम को 6 बजे पहुंच जाना चाहिए था। 6 बजे स्टार्ट होती है, मैं जाके सीधा ही गंगा आरती देख सकता था, बट बस ने पता नहीं किस हिसाब से चलाया, सही चलाया नहीं चलाया भगवान जाने, मैं पहुंच नहीं पाया, लेट हो गया। तो एक तो टाइम का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, शायद थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था टाइम। और एक सेकंड चीज़ है, रात को जो आरती देखने को मिलती है ना, 2-2.5 बजे स्टार्ट हो जाती है वो आरती, और वो आरती देखने को मिलेगी आपको सुबह के 4 बजे तक। काशी विश्वनाथ, और सेकंड पहला मलाल तो ये कि गंगा आरती, और दूसरा चीज़ था काशी विश्वनाथ में रात को 2:30 बजे वाली आरती, जिसके कि चार्जेस लगते हैं। मैंने वहाँ पे गूगल पे तो देखा नहीं था, चार्जेस बताया भी नहीं था, 500 रुपये चार्जेस थे, कोई इशू नहीं था मेरे लिए, मैं 500 रुपये दे देता। बट मेन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि यार वो टिकट ही नहीं मिली मुझे। बट ये हाँ, रात को यार, रात को 2 बजे गंगा आरती, रात को 2 बजे गंगा स्नान, फिर 4 बजे। और एक और चीज़ ना जो मैंने शायद व्लॉग में भी नहीं बताई होगी, अगर कोई देखेगा और कभी इन फ्यूचर जाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि देखो कपाट तो 4 बजे खुल जाते हैं, ठीक है, बट मेन क्या है कि जो 4 से 6 बजे का टाइम है ना, वो मेन है। जितने भी डिवोटीज़ 4 से 6 बजे के बीच में एंटर कर जाएंगे ना, उन्हें सामने से शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मौका मिलेगा, अपने हाथ से उन्हें टच करने का मौका, जल चढ़ाने का मौका मिलेगा, प्रसाद सामने से चढ़ा सकते हो। वो टाइम जोन है सिर्फ 4 से 6 बजे का। अगर आप उसके बाद जाते हो ना, तो फिर जैसे बाकी मंदिरों में होता है, दूर से दर्शन किया और आप चले गए, वो होने वाला है। और हाल फिलहाल मैं इधर आया हूँ, क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ हेलमेट को, अपने पुराना हेलमेट था तो मेरे एक फ्रेंड ने ना अभी जस्ट रिसेंटली हेलमेट ख़रीदा नया, और उसे रैप करवाया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरे भी ख्याल आया यार, मेरे पे पुराना हेलमेट है जो मैं स्टड का हेलमेट यूज़ करता हूँ नॉर्मल में, उसको भी अगर मैं रैप करा लूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है और हल्के से निशान, काफ़ी ज़्यादा निशान भी पड़ चुके हैं, तो लोग देखते तो ऐसी क्या है ये हेलमेट, कैसा गंदा लग रहा है। तो मैं रैप करवा लेते एक बारी, क्या पता अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं आया हूँ इधर नई शॉप पे। उसने कहा एक बार इधर आके देखो, पुराने वाले पे तो तुम बहुत गए हो, इस नए वाले पे भी आके देखो, अच्छा करता है। मैं कहा ठीक है यार, हमने तो रैप ही कराना है, नई जगह ट्राई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हेलमेट रैप कराना था यार, बात हुई थी आपसे, बात हुई थी फ़ोन पे ना, मैं ही था, मेरे पुराने हेलमेट पड़ा है, मैं कहा रैप करवा ले। ये देखो ये मेरा पुराना हेलमेट, हेलमेट में कोई कमी नहीं है, इसकी पैडिंग आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी, हेलमेट अच्छा है। बस ये है कि ये देखो थोड़ा सा ये अजीब लगता है, इसीलिए सोचा इस पे रैप करा लिया जाए, झंझट ही ख़त्म हो जाएगी, जितना भी क्रैश का थोड़ा सा निशान है वो भी चला जाएगा, और नया जैसे दिखने लगेगा, लोगों को पता भी नहीं चलने वाला, और मेरी भी संतुष्टि हो जाएगी। देखते हैं भाई कैसा करने वाले हैं, लगेगा 1-2 घंटा इसमें भी। यस अभी देखो भैया कैसे करते, भैया काम साफ करना, ठीक है, पता ना चले।
जितना अच्छा करोगे उतना ही फायदा है आपके लिए। तो कभी कभार जगह भी चेंज करनी चाहिए, नई नई जगह ट्राई करनी चाहिए। और मेरे को यहाँ पे ये चीज़ कूल लगा, मास्क किस पे? अच्छा हाँ, उस पे लगा हुआ है। लाइक ऐसे हेलमेट्स पे ज़्यादा पहनते हैं लोग, फेसलेस हेलमेट होता है ना, उस पे लोग पहनते हैं इसको, अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि इसमें ये देखो, आगे वाइजर की जगह ये लगा लिया, सही चीज़ है ये। देखने में पहन के कैसा लगता है, मैं पहन के देख लेता हूँ कैसा लगेगा। ओ भाई ये हेलमेट ये पहन के घूमा ना तो हर चौराहे पे रोकेंगे मुझे। लोग रोके तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले ने रोका तो मेरी बैंड बजने वाली है फिर। पर लग सेक्सी रहा है, जो मर्जी बोलो। सही चीज है, रैबिट बनना है तो वो भी बन सकता है। एक टाइम पे बहुत ट्रेंडी था ये भी, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। कुछ भी एक बार फोन करके भी पता कर सकते हो, ठीक है, कि आपका ऐसे होगा कि नहीं होगा। डेडली तो चलान का पंगा होता है, चलान का थोड़ा बहुत ये है कि आप उसे रोक सकती है, अदरवाइज दिखने में अच्छा है बाइक ओके ना। निकल जाए तो ये ले लो, है यामा स्प्लेंडर, ऑलमोस्ट सारी कंपनी के भाई। निकल जाए तो यहीं से लगा लो, वैसे कंपनी महंगा होता है। जो सुजुकी का एस है ना, जो वो सिर्फ सिंपल सा एस, जब एक बार मुझे चेंज करवाना पड़ा था तो मुझे ना वो सिंपल एस पड़ा था 225 रुपये का, सिंपल सुजुकी का एस 225 रुपये का था वो। ओके ये TVS का है, ये चीज की मैं बात कर रहा जो इन्होंने ये निकाल के दिया, ये देखो इस चीज की मैं बात कर रहा था। ये कंपनी में मेरे को 225 रुपए का पड़ा था ये पीस। Thousands of tears later. मैं ऑलरेडी काफी लेट हो गया, और भी ज्यादा टाइम लगने वाला था, टाइम का पता ही नहीं चला। इधर उधर करते मैं कहा चलो आप हेलमेट बाद में कर देना, क्योंकि इन पे काम काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए। और मेरे को भी थोड़ा घर पे काम है यार, मैं लेट हो गया, 8 यहीं पे बज गए मुझे, तो मुझे अब भगदड़ी करके फटाफट भागना पड़ेगा यहाँ से। पर शॉप अच्छी है, बंदा भी जेन्युइन है, ठीक है, बातचीत बंदे भी जेन्युइन है, बातचीत हुआ मेरे को अच्छा लगा, और प्राइस भी मेरे को ठीक लगा। PPF के रिगार्डिंग भी मैंने इनसे बात करी है। तो आकाश ने ऐसे उसकी V-Strom अभी तक करवाई नहीं है, फुल करवाना था पूरी बाइक को, उसने PPF करवाना है। मैंने भी अपने सिर्फ टैंक करवाई हुई है। तो अगर बाय चांस अगर मुझे जाना हुआ कहीं लॉन्ग टूर के लिए, ठीक है, जो तो अभी तो आसपास भी कोई है नहीं जाने का प्लान, अगर इन फ्यूचर जाना हो तो मेरे को करवाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से प्राइस पॉइंट से भी काफ़ी बेटर लगे मेरे को। और बाहर काम भी चल रहा था PPF का, एक एक्टिवा के ऊपर काम भी इनका अच्छा था देखने में। अभी जब अपनी चीज़ों पे होएगा तो उसके बाद ही मैं फाइनल वर्डिक्ट दे पाऊँगा कि लाइक हाँ कितना एक अच्छा था कितना एक बुरा था। जब तक खुद पे ना हो तो तब तक किसी चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहिए, वो मैं तभी बता पाऊँगा जब हमारी बाइकों पर होगा, या आकाश की मेरी बाइक पर होगा या आकाश की बाइक पर होगा। और अगर जहाँ तक मैं बात करूँ ना, हेलमेट का रैप कराने का खर्चा भाई सुपर चीप था। जब मैंने आकाश का हेलमेट रैप करवाया था, क्योंकि कलर उतर गया था उसका, तो मैट ब्लैक करवाया था, पर इन्होंने थोड़े सस्ते में किया, जो कि अच्छा लगा यार। और ये वाला रास्ता इन्होंने बंद कर दिया यार इधर से, वैसे ही मैं लेट हूँ और लेट होना पड़ेगा, है ना, प्रॉब्लम वाली बात। सो राइट यार, वहाँ से मैं निकल के आ गया, काफ़ी भीड़ होती है इस टाइम उस जगह पे,
तो मैं अगर थोड़ा निकलने में कॉन्सनट्रेट करते हैं फटाफट वहाँ से, क्योंकि घर पहुँचना भी ज़रूरी है। सो ऑलराइट, इस व्लॉग के एंड करते हैं। ये व्लॉग का व्लॉग भी हो गया और एक थोड़ा प्रमोशन टाइप भी वीडियो बन गया, जिससे कि वो भी अभी खुश हो गए ऑनर वहाँ के, और मेरा ही व्लॉग बन गया। ठीक है, तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कल या परसों जाएंगे हेलमेट लेने।